हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में फीड मेथड्स ऑफ द पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेनाज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेनाज होते क्या है। अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप जाइए पुराने वीडियो में, एटलीस्ट ये देख आइए कि पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेनाज होते क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फीडिंग करते हैं पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेनाज की। अब हम सब जानते हैं जो पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेनाज हैं ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, विच मीन्स ये करंट लेकर वेव जनरेट नहीं करते हैं। क्या करते हैं ये, इनके अपने विसिनिटी में एक एक्टिव एलिमेंट रखते हैं जो कि वेव जनरेट करता है और ये रिफ्लेक्ट करते हैं उस वेव्स को। तो अब इनकी जो अगर हमें फीडिंग करवानी है तो उसके लिए हमें एक एक्टिव एलिमेंट भी चाहिए, उसे इसकी विसिनिटी में रखना होगा, यहाँ से वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं इसे स्टडी करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि चार टाइप के फीड मेथड्स होते हैं पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंटेना के, जो कि है एक्सियल एंड सेंटर फीडिंग, ऑफसेट फीडिंग, कैसीग्रेन फीडिंग एंड ग्रिगोरियन फीडिंग। तो चारों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चारों को देखते हैं कि चारों में कैसे वेव्स ट्रैवल करती हैं एक्टिव एलिमेंट से रिफ्लेक्टर तक, रिफ्लेक्टर से कैसे मूव करती हैं किसी भी रिसीवर तक। तो ये सारी टाइप की जो हमारी केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर फीडिंग और एक्सियल फीडिंग, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फीडिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पैराबॉलिक एंटीना है उसका फोकस ढूंढते हैं। ये फोकस है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब क्या करा हमने, फोकस ढूंढा, फोकस के ऊपर हमने एक्टिव एलिमेंट रख दिया। एक्टिव एलिमेंट कोई भी एंटीना हो सकता है, जैसे कि डायपोल एंटीना। अब हमने क्या करा, यहां पर हमने पैराबोलिक एंटीना रखा हुआ है। राइट, सो क्या होगा, यहां पर ये जो एक्टिव एलिमेंट है इससे स्फेरिकल वेव्स जनरेट होंगी। राइट, स्फेरिकल टाइप की वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब जैसे ही ये पैराबॉलिक एंटीना से रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई है पैराबॉलिक एंटीना से, सो कैसे मूव करेंगी, पहले ऐसे मूव करेंगी सारी वेव्स, अब इसके बाद ऐसे मूव करने लग जाएंगी। तो ये जो वेव्स जो रिफ्लेक्ट हुई हैं ये हैं प्लेनर वेव्स। तो क्या हुआ, जैसे ही रिफ्लेक्टर से स्फेरिकल वेव्स रिफ्लेक्ट हुई ये प्लेनर वेव्स बन गई। सो स्फेरिकल वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम द एंटीना एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लेनर वेव्स। ठीक है, तो यहां पर कोई क्रॉस पोलराइजेशन नहीं होगा, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर लो नॉइज एप्लीकेशन। यहां पर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है ड्यू टू द एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट आप देख रहे हैं वेव्स के पाथ के बीच में भी आएगा और ब्लॉकेज पैदा करेगा। राइट, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसको यूज करने का। तो अब इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करना था, इस डिसएडवांटेज को ओवर करने के लिए हमारे पास ऑफसेट फीडिंग है। ऑफसेट फीडिंग में क्या करा हमने, पूरा पैराबॉलिक स्ट्रक्चर ना लेकर एक पार्ट ऑफ पैराबॉलिक स्ट्रक्चर लिया। ये वाला सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, हमारा एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टर है बस इतना ही है। इमेजिनरी पार्ट को पूरा देखें तो इसका फोकस यहां लाए कर रहा है और फोकस पर ही हमने एक्टिव एलिमेंट रखा है। राइट, सो अब क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट से स्फेरिकल वेव्स एमिट होंगी। राइट, अब ये जो स्फेरिकल वेव्स हैं, जैसे ही ये पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होंगी ये प्लेनर वेव्स बन जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइप ऑफ फीडिंग में मेरे पास जो स्फेरिकल वेव्स थी प्लेनर वेव बनी, और जैसे ही प्लेनर वेव्स मूव कर रही हैं यहां पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। बट क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, यहां पर एंगल्स चेंज हो रहे हैं वेव्स के, तो यहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा, तो क्रॉस पोलराइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी यहां पर, बट यहां पर ब्लॉकेज नहीं होगी। तो इट इज यूज्ड इन द सैटेलाइट डिशेस, सैटेलाइट डिशेस में यही टाइप का एंटीना हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं केस थ्री। केस थ्री है कैसीग्रेन फीडिंग। राइट, कैसीग्रेन फीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ले रहे हैं जिसमें कि ये है मेरा प्राइमरी रिफ्लेक्टर।
ये है मेरा प्राइमरी पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर, ये है मेरा सेकेंडरी हाइपरबॉलिक रिफ्लेक्टर। तो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट को हमने कहां रखा है, सेंटर ऑफ द प्राइमरी रिफ्लेक्टर पे रख दिया है हमने। अब जो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट्स वेव्स जनरेट करेगा जो कि स्फेरिकल वेव्स होंगी। ये सारी वेव्स जितनी जनरेट हुई हैं एक्टिव एलिमेंट से, ये स्फेरिकल वेव्स हैं। अब जैसे ही ये हाइपरबॉलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगी, ये पैराबॉलिक सरफेस तक पहुंच जाएंगी। राइट, तो अब इनकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है। अब क्या होगा, अब फिर से ये पैराबॉलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगी, और जैसे ही ये हाइपरबॉलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट करी थी तभी ये प्लेनर वेव्स में कन्वर्ट हो गई थी, तो अभी भी ये प्लेनर वेव्स ही हैं। स्फेरिकल वेव्स प्लेनर वेव्स तो बन गई हैं। यहां पर हमारे पास फीड की भी आइसोलेशन है, क्योंकि यहां फीड हमारा पाथ के बीच में नहीं है। राइट, फीड एक सेपरेट लोकेशन पे प्लेस्ड है, तो जो वेव्स आ रही हैं वो फीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगी। सो आइसोलेशन ऑफ फीड है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये लो नॉइज एप्लीकेशन में यूज हो जाता है, बट यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगी, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज रहेगी, पूरा यहां से लेकर यहां तक ब्लॉकेज रहेगी ड्यू टू द सेकेंडरी हाइपरबॉलिक सर्फेस। डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस यूज कर रहे हैं, डायरेक्टिविटी को इंक्रीज होना ही है। क्रॉस पोलराइजेशन डिक्रीज रहेगा इस केस में, ब्लॉकेज ज्यादा है यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंडरी पूरा हाइपरबॉलिक सरफेस के लिए यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ब्लॉकेज था। सैटेलाइट ग्राउंड एंटीना में यूज होता है या फिर रेडियो टेलीस्कोप्स में यूज होता है। अब आ जाते हैं लास्ट केस जो कि है ग्रिगोरियन एंटीना। सो ग्रिगोरियन फीडिंग में क्या करते हैं हम, सो ग्रिगोरियन फीडिंग में हमारे पास अगेन दो एंटीनाज हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने, इस वाली ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हमने ऑफसेट फीडिंग से हटाई थी, तो इसकी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी हम ऑफसेट टाइप ऑफ फीडिंग से ही हटा सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर ऑफसेट टाइप का पैराबॉलिक स्ट्रक्चर रखा, विच मीन्स जो पैराबॉलिक स्ट्रक्चर है वो फुल पैराबोला नहीं है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ पैराबोला है। ये फुल पैराबोला अगर इमेजिनरी ड्रॉ करें तो उसके सेंटर पर हमने एक्टिव एलिमेंट रखा है, ये मेरा एक्टिव एलिमेंट है, ये मेरा सेकेंडरी हाइपरबॉलिक सरफेस है। सेकेंडरी हाइपरबॉलिक रिफ्लेक्टर है, ये ऑफसेट प्राइमरी रिफ्लेक्टर है, ऑफसेट प्राइमरी पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर। अब क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट से वेव्स जाएंगी, हाइपरबॉलिक सरफेस पे गई हैं सारी वेव्स। ये जो वेव्स हैं सब स्फेरिकली सिमेट्रिक है। अब ये वेव्स जाकर पैराबॉलिक सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। अभी ये प्लेनर वेव्स बन चुकी हैं, अगेन पैराबॉलिक सरफेस से ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, प्लेनर वेव्स बन चुकी हैं, बट यहां पर क्रॉस पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगेन फीड लाइन को, फीड एंटीना को आइसोलेशन मिल रही है, ये वेव्स के पाथ में नहीं आ रहा है, बट यहां पर क्रॉस पोलराइजेशन हाई रहेगी और यहां ब्लॉकेज नहीं है, जो कि इसका एडवांटेज है। आई होप आपको चारों टाइप के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।